सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक बायोटेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं DNA बारकोडिंग के बारे में। तो DNA बारकोडिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो कि आज का ये जो टॉपिक है DNA बारकोडिंग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में बेसिकली हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि आपने सुना होगा। जो कि इस टॉपिक में हम कवर करने वाले PCR के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे, उसके बाद से DNA एक्सट्रैक्शन के बारे में जानेंगे, उसके बाद ये तो फाइनली हम DNA बारकोड्स तो पढ़ ही रहे हैं, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये जो DNA बारकोडिंग है, ये कि अपने आप में एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि इसका बहुत ही उपयोग है। ठीक है, तो DNA बारकोडिंग को स्टार्ट करते हैं। DNA बारकोडिंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर बारकोडिंग का नाम नहीं सुना होगा तो DNA का नाम तो सुना ही होगा। DNA क्या होता है? DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, और रही बात बारकोडिंग की, तो बारकोडिंग जैसा कि आपने नाम सुना होगा, QR कोड सुना होगा, फिर ऐसे ही ठीक ऐसे ही बारकोडिंग होता है। जैसे कि जितने भी इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्ट होते हैं या फिर कमर्शियल जो प्रोडक्ट होते हैं, उन पे बारकोड दिए रहते हैं। जैसा कि मान लीजिए अभी आप कभी मॉल वगैरह में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करने के बाद जितने भी प्रोडक्ट होते हैं आप जो खरीदते हैं, वो ला के बिलिंग टेबल जो होता है उस पे रखते हैं। तो वो जो शॉपकीपर होता है क्या करता है, एक इस बारकोड स्कैनर मशीन होता है, जिससे क्या करता है वो उस पे MRP नहीं लिखता है, डायरेक्ट वो क्या करता है उस मशीन से बारकोड को स्कैन कराता है और आपका बिल रेडी कर देता है। तो ठीक है, ऐसे ही वो बारकोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों आता है, बारकोड और DNA एंड बारकोड, तो ये मिलके होता है DNA बारकोडिंग। अब बेसिकली DNA बारकोडिंग होता क्या है, तो इसके अगर डेफिनेशन की बात करें तो DNA बारकोडिंग जो है एक ऐसा टूल है जिसका यूज करके हम स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम मेन कवर करने वाले हैं DNA बारकोडिंग के बारे में। हम क्या बात करेंगे, डेफिनेशन जानेंगे सबसे पहले, उसके बाद डिस्कवरी जानेंगे कि DNA बारकोडिंग को कौन डिस्कवर किया था, उसके बाद जानेंगे स्टेप्स ऑफ DNA बारकोडिंग। मतलब ये हुआ कि जो भी स्पीशीज होते हैं या फिर उनका DNA बारकोडिंग बारकोड कैसे क्रिएट करते हैं, उसके बारे में कुछ स्टेप्स होते हैं वो जानेंगे, उसके बाद फाइनली हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ DNA बारकोडिंग, DNA बारकोडिंग का क्या महत्व है, क्या यूज़ है, क्या प्रयोग है, उसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से पहला। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया DNA बारकोडिंग क्या होता है, DNA बारकोडिंग एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ करके हम स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ DNA सिक्वेंस। मतलब DNA का जो सिक्वेंस होता है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, पहचान करते हैं। ठीक है, तो ये रही डेफिनेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्लांट्स का आइडेंटिफिकेशन होता है, एनिमल का होता है, उसके बाद फंजाई का होता है। अगर बात करें एनिमल्स, तो एनिमल्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसमें COI जीन्स होते हैं, COI जीन पाए जाते हैं। इस COI जीन का मतलब ये हुआ, इसका फुल फॉर्म की बात करें तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज 1 जो जीन होता है, इसका यूज करके हम क्या करते हैं, एनिमल्स में हम DNA बारकोड चेक करते हैं, उसके मदद से क्या करते हैं, स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, और बात करें अगर ये रहा हमारा एनिमल्स का, ठीक है, ये रहा एनिमल्स का। ठीक है, उसके बाद बात करें अगर प्लांट्स का, प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में क्या होते हैं, दो जीन होते हैं, मैट ये स्मॉल रहेगा, सॉरी मैट के एंड आरबीसीएल। ठीक है, ये प्लांट्स में
पाए जाते हैं। ये जो मैट के होता है इसको बोलते हैं मैचुरेट के, और ये जो आरबीएल से होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबुलोस 1,5-बाइफॉस्फेट कार्बोचाइलेज। ये जो होते हैं ये जीन्स होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स में बेसिकली होता क्या है कि जो दो क्या होते हैं, दो डिफरेंट क्लोरोप्लास्ट होते हैं प्लांट्स के, उसके दो रीजन जो होते हैं, दो अलग अलग रीजन से जीन को लिए जाते हैं और उसके बाद से इस बेसिस पे प्लांट में का आइडेंटिटी, प्लांट स्पेसिस का आइडेंटिफिकेशन किए जाते हैं। फंजाई की बात करें तो उसमें क्या होता है, आईटीएस जीन होता है, आईटीएस जीन होता है, ठीक है। इसका ये भी एक तरह का जीन होता है, इसका फुल फॉर्म होगा इंटरनल ट्रांसक्राइब स्पेसर। ये भी एक जीन होता है जो कि फंजाई में, फंजाई स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। अब डीएनए बारकोडिंग के बारे में थोड़ी सा और जानते हैं। डीएनए बारकोडिंग जो होता है आजकल के नाउडेज ये एक ऐसा मतलब टूल माना जाता है जो कि सबसे स्टैंडर्ड टूल माना जाता है किसी भी स्पीसीज का, जैसे प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर फंजाई हो, उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक स्टैंडर्ड टूल माना जाता है, ठीक है। ये जो डीएनए बारकोड्स होता है ये हर स्पीसीज के लिए, इसका जो सीक्वेंस होता है हर स्पीसीज के लिए यूनिक होता है, सो दैट आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकेंड, ये रहा हमारा डीएनए बारकोड के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। अब सेकेंड बात करते हैं हम डिस्कवरी के बारे में, ये जो डीएनए बारकोड कौन डिस्कवर किया था। तो बेसिकली ये जो डीएनए बारकोड वाइज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर पॉल हेबर्ट इन 2003, ये जो डीएनए बारकोड था वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था डॉक्टर पॉल हेबर्ट के द्वारा इन 2003। He is known as the founder of DNA barcode. और ये जो डॉक्टर पॉल हेबर्ट थे ये गेल्फ जो गेल्फ यूनिवर्सिटी जो है, गेल्फ सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी जीनोमिक्स के ये प्रोफेसर थे, ठीक है। और ये इन्होंने एक प्राइज विन किया था जिसका नाम था मेडोरी प्राइस इन्होंने विन किया था, ठीक है। तो डीएनए बारकोड वाज बेसिकली डिस्कवर्ड बाय पॉल हेबर्ट इन 2003, ठीक है। उसके बाद से अब हम बात करते हैं स्टेप्स जानेंगे, कौन कौन से स्टेप्स जो होते हैं डीएनए बारकोड क्रिएट करने के लिए, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के बारे में हम जानेंगे। तो स्टेप्स पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ, फिर एक एक मैं आपको बताऊंगा। तो जो पहला स्टेप्स था वो है सैंपलिंग, सेकंड जो स्टेप है वो मेटा डेटा, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है वो है वाउचरिंग, उसके बाद हमारे जो फिफ्थ स्टेप है वो है डीएनए एक्सट्रैक्ट, उसके बाद हमारे जो सिक्स स्टेप है वो है PCR बारकोड, उसके बाद जो हमारा सेवेंथ स्टेप है वो है सीक्वेंसिंग, उसके बाद आठवां जो हमारा स्टेप है वो है डेटा वैलिडेशन, एंड फाइनल जो नाइन्थ स्टेप है वो है डेटा बेसिंग।
ठीक है। तो ये रहे हमारे 9 स्टेप जो डीएनए बारकोड क्रिएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं एक एक स्टेप का, जानेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये जो पहला जो स्टेप है सैंपलिंग, सैंपलिंग से नाम आपने सुना होगा कि सैंपल, इसमें क्या होता है, बेसिकली सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें होता है ये बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं जहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए म्यूजियम हो गया, जू हो गया, उसके बाद बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, यहाँ इन इन सारे जगहों पे क्या क्या होता है, यहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो स्पेसिमेन कलेक्ट किए जाते हैं उसको चेक किया जाता है, मतलब चेक किया जाता है सो दैट इसके जो हम डीएनए उसके जो होंगे वो क्वालिटेटिव होंगे कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिमेन को कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो आता है, और इसमें थोड़ी सी और बात करें तो सैम्पलिंग में ये होता है, ये जो कलेक्शन होता है ये जो क्वालिफाइड जो होते हैं सिटीजन होते हैं उन वो ये कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्टेप की बात करें तो ये मेटा कलेक्शन, मेटा कलेक्शन का मतलब ये हुआ कि एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है हरगरियम के बारे में बताया हुआ है, तो उसमें मेटा कलेक्शन बेसिकली ये होता है टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन इसका, इसमें रिकॉर्ड बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन, जैसे कि इसमें हरबेरियम मैंने बताया हुआ था कि जो भी हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं तो उसका डेट ऑफ कलेक्शन लिखते हैं, कलेक्टर नेम लिखते हैं कौन कलेक्ट किया है, उसके बाद से प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखते हैं कहाँ से हमने उस स्पेसिमेन को कलेक्ट किया है, उसके बाद से मेथड ऑफ कलेक्शन किस मेथड से हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ये मेटा कलेक्शन में इन सबको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, ये सब किया जाता है। उसके बाद थर्ड जो स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हम स्पेसिमेन कलेक्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले जब हम स्पेसिमेन जहाँ से कलेक्ट किए उसका नेचुरल हैबिटेट जो है वहाँ का एक फोटोग्राफ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से फाइनली जब हम उसको लैब में लेके आते हैं, लैब में लेबोरेटरी में वहाँ पे फोटोग्राफिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद वाउचरिंग, वाउचरिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसको GBOL मतलब जर्मन बारकोड ऑफ लाइफ, ये इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। इसमें जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया वहाँ पे कलेक्ट स्टोर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो फिफ्थ स्टेप होता है वो डीएनए एक्सट्रैक्शन, डीएनए एक्सट्रैक्शन पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, डीएनए एक्सट्रैक्शन का मतलब बहुत सारे मेथड होते हैं, किसी भी मेथड से हम क्या करते हैं जो हमने स्पेसिमेन कलेक्ट किया है उसका क्या करते हैं उससे डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं। डीएनए एक्सट्रैक्शन के मेथड जैसे सेंजर मेथड होता है उसको क्लोरोफॉर्म फिनाइल मेथड भी कहते हैं, ऑर्गेनिक मेथड्स होते हैं, इनऑर्गेनिक मेथड होते हैं, और सिलिका जेल मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन उसमें से किसी भी एक मेथड से हम क्या करते हैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें बेसिकली होता है जो टेक्नीशियन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमने स्पेसिमेन स्टोर कर रखा है GBOL इंस्टीट्यूशन में, उसमें हर स्पेसिमेन से कुछ टिश्यू, उस स्पेसिमेन से एक शॉर्ट पीस ऑफ टिश्यू को लिया जाता है और उससे क्या करते हैं हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो छठवें स्टेप में सिक्स्थ स्टेप होता है पीसीआर बारकोड। अब इसमें पीसीआर बारकोड, पीसीआर का मतलब जानते हैं आप, पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने यहाँ पे डीएनए कलेक्ट किया है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, उस डीएनए में जो हमारा बारकोड जनरेटिंग वाला जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस का क्या करते हैं इसमें रेप्लिकेशन करते हैं। पीसीआर का मतलब यही फंक्शन होता है, एम्पलीफाई कर देता है, सेम कॉपीज बना देता है क्लोन का, ठीक है। क्लोनिंग मतलब यही होता है सेम आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं उसी जीन का, ठीक है। तो क्या करता है डीएनए एक्सट्रैक्ट जो हमने किया है डीएनए का उसमें जो बारकोड वाला रीजन होता है जो सीक्वेंस होता है उसका क्या कर देता है पीसीआर बारकोड्स उसको रेप्लिकेट कर देता है, ठीक है। उसके बाद से सेवेंथ हमारे स्टेप आता है सीक्वेंस, सीक्वेंसिंग में बेसिकली ये होता है बारकोड जनरेट करवाते हैं, इसमें बारकोड
जनरेट करवाते हैं। जैसे जो भी हमारा जीन है उस पर क्या करते हैं, सिक्वेंसिंग करते हैं, ठीक है। जैसे कि न्यूक्लिक एसिड, 4 न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, 4 होते हैं ना, तो इन सब से क्या करते हैं, सिक्वेंसिंग करते हैं और बारकोड जनरेट करते हैं, ठीक है। बारकोड जनरेट हो गया, उसके बाद क्या करते हैं, डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे बारकोड जनरेट कर दिए, ठीक है। उसके बाद से 8वें स्टेप में हमारा क्या होता है, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में बेसिकली ये होता है कि जो जीबीओएल के जो साइंटिस्ट होते हैं, जो प्रोफेशनल साइंटिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको जो अभी तक जितना हमने प्रोसेस ये किया है, इन सबको ये टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि मतलब इसमें जो सिक्वेंसिंग किए हैं। उसके बाद मेटा डाटा, मतलब मेटा डाटा में क्या हमने बताया था कि जो भी कलेक्टर नेम, प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट ऑफ कलेक्शन, मेथड ऑफ कलेक्शन, वो उसके बाद सिक्वेंसिंग, जो हमने बारकोड जनरेट किया है, वो सब टेस्ट किया जाता है। प्रोफेशनल साइंटिस्ट जो जीबीओएल के होते हैं, वो इसको चेक करते हैं, उसके बाद टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद सर फाइनली 9th स्टेप में ये होता है डेटा बेसिंग। डेटा बेसिंग का मतलब ये होता है, इसमें फाइनली क्या होता है, एक बोल्ड BOLD, एक बोल्ड सिस्टम डेटाबेस होता है। इसमें फाइनली क्या होता है, ये जो हमने सिक्वेंसिंग किया है, इसको अपलोड कर दिया जाता है इस पे, बोल्ड सिस्टम डेटाबेस पे। इसका फुल फॉर्म होगा बारकोड ऑफ लाइफ डेटा, बारकोड ऑफ लाइफ डेटा इस पे अपलोड कर दिया जाता है फाइनली, ठीक है। और ये जो होता है बोल्ड, क्या होता है, एक इंटरनेशनल रेफरेंस लाइब्रेरी होता है, ठीक है, उस पर ये पूरा अपलोड कर दिए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बोल्ड, फिर से एक बोल्ड क्या होता है, एक पब्लिक वर्क बेंच होता है, ठीक है। तो ये रहा स्टेप्स हमारा, बारकोडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, करने सिक्वेंस करने के बाद, चेक टेस्ट करने के बाद, प्रोफेशनल साइंटिस्ट के द्वारा चेक करने के बाद, फाइनली इसको बोल्ड पे इसको अपलोड कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेप्स, ठीक है। अब फाइनली अब जानते हैं इसका डीएनए बारकोडिंग का एप्लीकेशन क्या होता है, इसका क्या यूज होता है। तो डीएनए बारकोडिंग का ज्यादातर यूज होता है विल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में यूज होता है। विल्ड लाइफ फॉरेंसिक का मतलब ये हुआ कि उसमें बहुत सारे स्पीसीज को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फूड है, ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज, अलग अलग स्पीसीज का फिश का फूड है, ठीक है, उसमें मिक्स है, तो उसको कैसे मतलब आप पता करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्पीसीज हैं, तो इसके लिए डीएनए बारकोडिंग का यूज करके उसको डिफरेंट अलग अलग स्पीसीज का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो और उसके बाद से अगर डीएनए बारकोडिंग का और यूज आते, तो इसको मेडिसिनल प्लांट के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और प्रोटेक्शन किया जाता है, जो इनडेंजर्ड स्पीसीज है उनके प्रोटेक्शन के लिए डीएनए बारकोडिंग का यूज किया जाता है। तो ये रहा डीएनए बारकोडिंग के बारे में। डीएनए बारकोडिंग का डेफिनेशन मैंने बताया, डिस्कवरी क्या होता है, स्टेप्स क्या होते हैं डीएनए बारकोडिंग के, और फाइनली हमने पढ़ा डीएनए एप्लीकेशन ऑफ डीएनए बारकोडिंग। तो आई होप दैट कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।